Hello dear students, my name is Ayushi Gupta. Welcome to Fatafat Concept by Topper. इसमें हम लोग आपको कंसेप्ट्स को बहुत ही इजी वे में समझाएंगे ताकि स्टूडेंट आपके जो छोटे छोटे से डाउट्स रहते हैं टॉपिक्स को लेके वो बहुत इजीली क्लियर हो जाए और आपके सारे कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हो जाए। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स है? यस, यू आर राइट, हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल स्टूडेंट्स 118 एलिमेंट्स है। अब इन सब की प्रॉपर्टीज याद रखना हमारे लिए काफी ही डिफिकल्ट टास्क है। तो हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इनको कुछ ग्रुप्स में, कुछ पीरियड्स में क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, ताकि हमारे लिए जो प्रॉपर्टीज है वो लर्न करना ईजी हो जाए। तो इस तरीके से जब उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, तो हमने देखा कि बहुत जगह वेरिएशंस आए, बहुत जगह सिमिलैरिटीज आई। तो इसी के बेस पे हमने क्या डेवलप किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ट्रेंड्स। तो आज हमें जो पढ़ना है दैट इज ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर हम लोग स्टूडेंट्स बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स है 18 एंड अगर हम लोग पीरियड्स की बात करें तो टोटल पीरियड्स कितने हैं 7। और आपको पता है एक्चुअली जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी शेल का क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस पे डिपेंड होती है उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पीरियड की बात करते हैं, पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आप देखते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है दोनों ही क्या करती है, वेरी। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट ग्रुप्स, ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखते हैं जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन जो शेल्स है वो इंक्रीज होती है। तो दैट्स वाई जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी, बट जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, चेंज होती है। तो इस तरीके से हम जनरल वेरिएशंस देखते हैं पीरियड्स में एंड ग्रुप्स में। अब हमने पर्टिकुलर कुछ क्वांटिटीज ली है, जैसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं अबाउट वैलेंसी। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है व्हाट इज वैलेंसी? कितने बच्चों को पता है, नाइन्थ क्लास में पढ़ा है? यस, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट अदर कितने एलिमेंट से कंबाइन होता है, कितने बॉन्ड्स फॉर्म करता है, दैट डिफाइन इट्स वैलेंसी। वैलेंसी को निकालने के दो फॉर्मूलेज हैं स्टूडेंट्स। पहला क्या है, अगर मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1, 2, 3 एंड 4 है तो वैलेंसी डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो वैलेंसी डायरेक्टली क्या हो जाएगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से हम सब की क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी। जैसे आपको पता है ग्रुप 1 की वैलेंसी होती है 1, ग्रुप 2 की होती है 2, तो इस तरीके से आप इजीली सबकी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेंड की। अगर स्टूडेंट्स ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वैलेंसी हमेशा सेम रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट पीरियड, पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंसी क्या होती है, वैरी करती है। पहले इट इंक्रीजेस, देन इट डिक्रीजेस। क्योंकि आप लोगों ने क्या देखा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ वैलेंसी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वांटिटी की बात करते हैं, दैट इज एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज हम लोग एटम के लिए मेजर करते हैं एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में, क्योंकि एटम का शेप हम सबको पता है दैट इज स्फेरिकल। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स? एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को हमने क्या बोला है स्टूडेंट्स, एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे इन अ ग्रुप, तो आपने देखा है एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों होता है? जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं
नंबर ऑफ शेल्स क्या होती है, इंक्रीज होती है, दैट्स व्हाई एटॉमिक रेडियस भी क्या होता है, इंक्रीज। बट स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, क्योंकि क्या होता है पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज करते हैं तो उन पे अट्रैक्शन फोर्स भी काफी इंक्रीज होता है। दैट्स व्हाई न्यूक्लियस बहुत फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन्स पे और उनका साइज डिक्रीज हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज, बट पीरियड में वो साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज। सो दिस इज ऑल अबाउट एटॉमिक साइज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करेक्टर, एंड दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। बट बिफोर दैट हमें पता होना चाहिए व्हाट आर मेटल्स। स्टूडेंट्स मेटल की बात करें तो मेटल्स क्या है, जिनके पास आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर किसी भी एलिमेंट के पास 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, मेटल्स। और स्टूडेंट्स आपको पता है मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, बिकॉज उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। लूज करने की वजह से उनपे चार्ज कौन सा आता है, यस पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें पीरियोडिक टेबल में मेटल कहाँ प्रेजेंट है बेटा, कहाँ लोकेटेड है, यस यू आर राइट, मेटल्स जनरली लेफ्ट साइड या फिर सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली बात करते हैं स्टूडेंट्स नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम लोग बात करें तो नॉन मेटल्स में टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, दैट्स व्हाई उनका नेचर होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव। अब वो कहां प्रेजेंट होते हैं, यस नॉन मेटल्स मोस्टली राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। और एक और चीज होती है, सुना है क्या आपने वर्ड मेटलॉइड्स, यस यू आर राइट, हम इनको सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। बेटा मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स, दोनों की प्रॉपर्टीज हो गई। अब ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये एक्चुअली मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करते हैं, ये एक zigzag लाइन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये है हमारे मेटलॉइड्स। ये हमने देख लिया क्या मेटल्स है, क्या नॉन मेटल्स है, क्या मेटलॉइड्स है। अब हम देखते हैं इनका वेरिएशन। अगर मैं बात करूं बेटा ग्रुप में अगर मैं टॉप टू बॉटम मूव करती हूं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब क्वेश्चन आता है व्हाई, बिकॉज बेटा अगर हम लोग देखें टॉप टू बॉटम मूव करने पे शेल्स इंक्रीज होती है। शेल्स इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए बाहर निकलना बहुत ही इजी टास्क है। और मेटल को तो क्या है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। That's why top to bottom क्या होता है, metallic character increase होता है। But अगर students period की बात करें तो metallic character decrease होता है, क्योंकि जैसे जैसे left to right period में move करेंगे तो क्या होगा, attraction बढ़ता जाता है। Attraction बढ़ने की वजह से क्या होगा, निकालना electron को बहुत difficult, तो इस वजह से जो metallic character है वो क्या हो जाएगा, decrease। और students इसका opposite है non-metallic। नॉन मेटेलिक क्या होगा, टॉप टू बॉटम तो डिक्रीज करेगा बट लेफ्ट टू राइट वो क्या करेगा, इंक्रीज। जस्ट अपोजिट अगर आपको मेटेलिक पता है तो आप नॉन मेटेलिक करेक्टर बता सकते हैं। तो ये था अबाउट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की अगर हम लोग बात करें तो दो मेजर ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स आप सबको पता है जो मेटल्स होते हैं वो जनरली बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, उनका नेचर बेसिक होता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। पता है ये हम सबको, ओके। सो जो मेटेलिक करेक्टर है वो ही सेम बेसिक ऑक्साइड्स का होगा। अगर हम लोग स्टूडेंट्स ग्रुप में मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो बेसिक ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। बट अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो पीरियड में क्या होता है, हम लोग देख रहे हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज। और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होने की वजह से जो एसिडिक करेक्टर है वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज, यस और नो। और अपोजिट इनके क्या हो जाएंगे, पीरियड और ग्रुप में
एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब आपसे कोई भी ट्रेंड अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल का पूछ ले तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय। सो स्टूडेंट्स, फॉर मोर सच फटाफट कंसेप्ट प्लीज लाइक एंड शेयर आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम लिंक। थैंक यू।